नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। हम लोग हिंदी वर्णमाला से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। कौन कौन से आपके प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। ये आपका टॉप 50 सीरीज है। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा है कि घा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। अगर घा वर्ण की हम बात करें तो घा का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। दूसरा आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन होता है, तो शा शा शाहा चार जब आप उच्चारित करते हैं तो चार का उच्चारण किससे होता है, इन सभी को ऊष्म व्यंजन कहते हैं क्योंकि बोलने से हवा गर्म होती है। तीसरा पूछा है था और फा इत्यादि क्या होते हैं, तो इसकी जब हम बात करते हैं ये दोनों के दोनों क्या हैं, अघोष वर्ण होते हैं। अगला आपसे पूछा है दिए गए विकल्पों में से हर्ष स्वर पहचाने, चार होते हैं आ ई ऊ और री, तो इसमें बी विकल्प आपका क्या होगा, हर्ष स्वर को दर्शाएगा। अगला कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है, तो मूर्धन्य की जब हम इनमें से बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो ता वर्ण है ता की जब हम बात करते हैं तो यह मूर्धन्य वर्ण नहीं होगा। अगला आपसे कह रहा है बा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो पा पा बा बा मा, ठीक है, ओठों से आप उच्चारित करते हो, यह चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रा और शा किन वर्णों की श्रेणी में आते हैं, रा शा की जब बात होती है तो ध्यान रखिएगा ये दोनों के दोनों आप बोलोगे तो जीभ आपकी ऊपरी छत को टच करती है मुंह के, मूर्धन्य होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा कि अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, अंक और आहार ना इनको स्वर में रखा जाता ना इनको व्यंजन में रखा जाता, इनको अयोगवाह इसीलिए कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा कि ज्ञा वर्ण किन के योग से बना है, तो जब हम बात करते हैं जा और इया की तो इन दोनों के मेल से ज्ञा वर्ण बनता है। अगला कह रहा निम्नलिखित में से अंतास्त व्यंजन या रा लावा, वैसे तो चार आप गिने ही रहते हैं, ये चार के चार क्या होते हैं, अंतास्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो 11 में कह रहा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है, अंक हा छुक को जो है नहीं गिनते हैं, इसमें ध्यान रखना। अगला कह रहा हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, 36 आपके आते हैं, 36 व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो वर्णमाला में 36 व्यंजन मिलते हैं। अगला कह रहा हिंदी वर्णमाला में कौन सा स्वर दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें से जब आप देखेंगे कौन सा, ऊ भाई हरस्व है, यह दीर्घ के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला कह रहा हिंदी वर्णमाला के कुल के अनुसार ज्ञा किस जो है वर्ग का वर्ण है, तो काखा गागा अंगा, ठीक है, चाचा जाजा इया, तो चा वर्ग जब आप देखेंगे तो चा वर्ग में आपको मिलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो कह रहा हिंदी भाषा में अयोगवाह क्या है, अनुस्वार और विसर्ग, अंक और आ क्या होते हैं, ये अयोगवाह होते हैं। अगला कह रहा हिंदी वर्णमाला में अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, तो अनुनासिक की जब हम बात करते हैं तो वी विकल्प इसमें से दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा यही आपका क्या होगा, अनुनासिक होगा। अगला कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों का क्या महत्व और छा किस संयुक्त व्यंजन का उदाहरण बनता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि दो व्यंजनों का संयोजन जो ध्वनि को प्रभावित करता, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला कह रहा है हिंदी वर्णमाला में ज्ञा संयुक्त व्यंजन का क्या महत्व है और यह किस प्रकार की ध्वनियों का संयोजन होता है, तो ज्ञा में मैंने अभी बताया था जा और इया का संयोजन है जो विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है। अगला कह रहा है कि हिंदी में हरस्व स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण समय बहुत छोटा होता है उन स्वरों को हरस्व कहा जाता है। अगला आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि शा व्यंजन वर्ण जो है हिंदी वर्णमाला के किस वर्ग में आता है, तो जब आप देखेंगे शा को लेकर तो ध्यान रखिएगा कि यह जो वर्ण होता है ये आपका किसके अंतर्गत, ये तावर्ग के अंतर्गत आपका गिना जाएगा, यह चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरागम क्या होते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरागम की बात करें तो स्वरों का समूह स्वरागम कहलाता है। अगला कह रहा हिंदी वर्णमाला में री स्वर के लिए वर्गीकरण क्या है, री स्वर के लिए वर्गीकरण की जब बात करते तो ये हर्ष स्वर के अंतर्गत आता आ ई उ री। अगला कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला स्वर कौन सा है, सबसे ज्यादा इसको शहीद वर्ण भी कहते हैं, आ का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कौन से व्यंजन को पार्श्विक ला जो होता है, एक तरीके से ला की जब हम बात करते हैं तो दो यहां पर देखने को मिलते हैं, एक तो आपको ठीक है शा, शा की जब हम बात करते हैं आप बोलते हो तो जीभ आपकी क्या होती है, रुक के वायु को पीछे से घुमाती है। अगला क्या बोल रहा, अगला कह रहा है देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 25 में ध्यान रखिएगा देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 जाती है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण होता है, तो जब हम बात करते हैं अघोष वर्ण की तो अघोष वर्ण इसमें से कौन मिलता है, शावर्ण अघोष मिलता है। अगला कह रहा है कि हिंदी में आगत व्यंजन कौन से, तो हिंदी में आगत व्यंजनों की जो है इसमें से जा, जहां नुक्ताबंदी लिखा रहता है जा बाहर से लिया गया। अगला क्या कह रहा,
आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, आ का उच्चारण स्थान जो होता है यह आपका कंठी होता है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि कौन सा विकल्प महापार प्राण वर्ण नहीं है, इसमें से अगर आप महाप्राण देखोगे तो ला इसमें से महाप्राण के अंतर्गत नहीं होगा। अगला कह रहा है कि लि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, लि की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि यह जो आपका वर्ण होता है यह दंत से आपका उच्चारित होता है लि, ठीक है, जीभ आपकी टच होगी। अगला क्या कह रहा, ए कौन से वर्ण होते हैं, तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि यह वर्ण आपके सभी के सभी दीर्घ होंगे। अगला क्या कह रहा है कि ता था दाधा ना का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो जब आप बोलोगे ता था दाधा ना, ठीक है, तो दांत पर जीभ आपकी टकराती है इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होता है। अगला कह रहा है कि निम्न में से हिंदी में रा और ढा व्यंजन ध्वनियां किस प्रकार की होती है, उच्छेद व्यंजन ध्वनियां होती है। अगला कह रहा है भाषा की सार्थक इकाई किसे कहा जाता है, तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है शब्द को कहते हैं। अगला कह रहा है किस क्रम में स्पर्श और संघर्षी व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श और संघर्षी व्यंजन की जब हम बात करें तो इसमें आप जब देखेंगे किसको, शाह या शाला को, तो इसमें स्पर्श और संघर्षी व्यंजन नहीं मिलेंगे। अगला कह रहा है कि सुमेलित करना है कि इसमें से महाप्राण और सघोष, अगर मैं इसमें से सही विकल्प की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा इसमें जब देखा जाए जैसे महाप्राण, तो यारा लावा आपको किस तौर पर मिलेंगे, महाप्राण की नहीं, यारा लावा की जब हम यहां पर जब हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिए कि इसमें से सही सुमेलित क्या होगा, सी में पहला, ठीक है, सघोष की जब हम बात करेंगे तो सघोष आपका दूसरा, मतलब सामने सामने जो है इसमें से दिए हुए, तो इसमें से अगर देखा जाए कि कौन सा किसमें, पहले का इसमें डी जाएगा, ठीक है, पहले का डी जाएगा, दूसरे की जब हम बात करेंगे तो दूसरे का आपका सी जाएगा, सघोष के अंतर्गत होंगे, तीसरे की बात करें तो खाव वाला जाएगा, ठीक है, और चौथे अंतास्त, तो अंतास्त आपका यारला होगा, ठीक है, इस भांति से, मतलब पहले का दूसरा जो है दा, ठीक है, और दूसरे का सा, तीसरे का खा और चौथे का ए। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो स्वरों की संख्या देवनागरी लिपि के अंतर्गत 11 प्राप्त होती है। अगला कह रहा निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्णों का कौन सा समूह नहीं मिलता, तो 38 में जब आप देखेंगे तो इसमें से अल्पप्राण आपका खा झा ठा था धा नहीं मिलेगा। अगला कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी ध्वनि नासिक के व्यंजन होती है, तो मां ना की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों नासिक के अंतर्गत आते हैं। अगला आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो ऊष्म जब आप देखोगे तो इसमें से भाई ये, ठीक है, ऊष्म जो है या इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अगला आपसे 41 कह रहा कि अंतास व्यंजनों का समूह कौन सा होता है, यारा लावा अंतास व्यंजनों का समूह है। अगला कह रहा है कि इनमें से विवृत वर्ण कौन सा होता है, विवृत वर्ण की जब हम बात करते हैं आ विवृत वर्ण होता है। अगला पूछा है ताथा दाधा ना का उच्चारण क्या होता है, जब आप ताथा दाधा ना का उच्चारण करोगे तो जीभ आपकी कहां से टकराती है, जीभ आपकी टकराती है दांतों से, तो दंत उच्चारण होगा। अगला कह रहा है महाप्राण वर्ण का क्या अर्थ है, दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प को चुनिए। महाप्राण की जब हम बात करते हैं तो जिसके उच्चारण में श्वास अधिक लगे उसे महाप्राण कहते हैं। अगला कह रहा है किस क्रम में स्पर्श और संघर्षी व्यंजन नहीं मिलते हैं, तो जब आप इसमें से देखोगे किसको चा या छाला को, तो इसमें स्पर्श और संघर्षी व्यंजन नहीं होंगे। वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित मिलता है, तो जब आप इसमें देखेंगे तो ई ताल और अग्रसर यही आपका सुमेलित होगा। अगला कह रहा है कि अनुस्वार के बारे में कौन सा कथन ठीक है, 47 में जब हम देखेंगे तो अनुस्वार में इसमें अनुस्वार स्वर और व्यंजन के बीच आने वाली नासिक की ध्वनियां, हिंदी में मूलता वर्णों की संख्या कितनी होती, तो हिंदी में मूलता वर्णों की संख्या 52 होती है। अगला कह रहा है कि कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उच्चारण कौन सा होता है, तो इसमें जब आप देखेंगे गा को, तो गा कंठ अल्पप्राण व्यंजन होता है। 50 की बात करें इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा होता है, तो अमानक वर्ण आपके सामने भा लिखा हुआ है, यही अमानक है। तो ये 50 प्रश्न रहे, ऐसे ही आपको लगातार, ठीक है, एक एक करके आपको जो है सीरीज मिलती रहेगी जिसमें हिंदी के सारे टॉपिक को हम लोग स्पेशल तरीके से कवर करेंगे। कमेंट जरूर करिए और जो है अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी का।